नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आज का टॉप कमेंट है ये। इस टॉप कमेंट के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और मैं अपनी सासू माँ वगैरह के साथ, सासू माँ दोनों के साथ कहीं जा रही हूँ किसी के घर, उनके स्वास्थ्य स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए। वो बीमार थे तो अभी हम उनसे मिलने जा रहे हैं, उनका हाल पूछने जा रहे हैं। अब वो बेहतर है पहले से, तो चलिए चलते हैं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आराम से जू तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर वापस, लेकिन मेरी सासू माँ और चाची जी नहीं आए। उन्होंने ग्राउंड जाने का डिसाइड किया और वो मैच देखने गए हैं और मुझे नहीं जाना आज क्योंकि मौसम खराब है और मुझे ठंड लग रही है। मुझसे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, ज़्यादा ठंड भी बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने बोला कि मैं तो नहीं आऊँगी, आप दोनों जाओ। तो वो लोग है ग्राउंड में, मैं अपने घर का काम कर लेती हूँ क्योंकि मैंने अभी आटा भी नहीं गूंदा है। टाइम है अभी 4:30 हो रहे हैं और मैंने आटा नहीं गूंदा है शाम के लिए। आटा गूंद लेती हूँ, सब्जी काट देती हूँ। आज बैंगन बन रहा है हमारे घर पे, और सब्जी काटने के बाद सब्जी तो मेरे ससुर जी बना देते हैं क्योंकि वो खाना टेस्टी बनाते हैं। तो ससुर जी बनाएंगे सब्जी, मैं बनाऊंगी रोटी। तो चलिए काम कर लेती हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मेरा आटा गूंदने का काम खत्म हो गया है। थोड़ा सा बर्तन है, ये धो लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। दोस्तों मैं अपने किचन का काम फारिग करके छत पे आई हूँ और छत पे मैं आपको दिखाती हूँ ग्राउंड पे जो है मैच चले हुए कई दिनों से और कल फाइनल है ऐसा सुनने में आया है। मुझे ठीक से पता नहीं है,
मौसम जो है आज बेईमान है। मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ, देखिए काले काले बादल है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और वहाँ जो है धूप बादलों में छुपा हुआ है। तो मौसम जो है ख़राब है, और जब मौसम ख़राब हो जाता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। यहाँ पे बहुत ही कड़ाके की ठंड है। हाँ देखिए झंडे उठ रहे हैं, आपको आइडिया लग रहा होगा कि ठंड भी कितनी है, हवा भी कितनी है। तो अभी तो अंदर बैठना ही बेहतर है। चाची वगैरह को जोश चढ़ा हुआ है, चाची और मेरी सासू माँ मैच देख रहे हैं। कोई नहीं, मैं घर पर ही ठीक हूँ, तो चलिए अंदर चलते हैं। बाहर से देखिए दोस्तों कैसे आवाजें आ रही हैं। तो ऐसे ऐसे सुनते वक्त तब तो मन करता है कि ग्राउंड में जाऊं और मैच देखूं, पर अभी बारिश शुरू होने वाली, मैं नहीं जा रही। तो हाँ, मैं क्या बोलने वाली थी दोस्तों, अचानक मेरी हेल्थ जो है ना कुछ महीनों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। जो मुझे जानते हैं ना उनको तो पता चल रहा होगा कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, और खाने से मैं परहेज नहीं कर सकती, क्योंकि खाने से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए मैं खाने में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकती। तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि शुक्र बीमारी तो कुछ नहीं है, क्योंकि वॉक पे जाते हैं, ऑयली चीज़ें नहीं खाती हूँ मैं, तो बीमारी तो अभी है नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। एक प्रॉब्लम हो गई है, वो ये कि मेरे जो कपड़े हैं ना, मेरे पुराने सूट, ये तो अभी थोड़ा हाल ही में बनाए, तो पुराने सूट जो है वो आ ही नहीं रहे मुझे, बस घुसते ही नहीं है, बिल्कुल फिट नहीं होती मैं। एक दो तो चलो मैंने दे भी दिया, पर सब के सब मैं दे नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ, और ये सारे सूट वैसे भी गिफ्टेड होते हैं, आपको पता है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इसको उधेड़ के फिर से अपने नाप का खुद बना लूँ। तो मैंने 3-4 सूट निकाला है, सब तो मैं नहीं निकालूँगी, फ्री तो बैठी हूँ, मैंने सोचा इन सबको उधेड़ के रख देती हूँ। तो हमारा मशीन है ख़राब, ताई जी आएंगी तो मैं सिल के रख दूँगी, इनको सिल के फिट कर दूँगी। तो अभी तो मैं इन्हें उधेड़ देती हूँ। ये मेरा रील वगैरह रखने का बॉक्स है, और उधेड़ के रखूँगी आज। आपको पता है कि मैं एक साथ कोई भी काम नहीं करती हूँ, मैं काइज़न वर्क करती हूँ, यानी कि छोटे छोटे भागों में बांट देती हूँ काम को। तभी मैं आज सिर्फ यही करूँगी, इसे उधेड़ के रखूँगी, फिर कभी सिलूँगी। तो चलिए मैं ये काम कर लेती हूँ। तो फाइनली दोस्तों मेरा काम खत्म हुआ, और मैंने ये देखिए कर दिया सबको, ज्यादा नहीं, 4 सूट को करूंगी फिलहाल, थक गई मैं। तो मेरा स्वभाव जो है ना बहुत ही कंजूस स्वभाव है, मैं फिजूल खर्ची करना पसंद नहीं करती, और कपड़ों पे बहुत ज़्यादा खर्चना भी मुझे पसंद नहीं है, खर्च नहीं पसंद नहीं है मुझे कपड़ों पे। आपको पता है मुझे कपड़े मिल जाते हैं गिफ्ट में, ये मुझे जो है मेरे भाई की भाभी, भाई की वाइफ यानी मेरी बड़ी भाभी, मेरे भाई जो म्यूजिशियन है उसकी वाइफ, उन्होंने दिया मुझे ये रक्षाबंधन पे। तो कपड़े अच्छे हैं, अभी क्यों वेस्ट करूँ, क्यों फेंकूँ, या फिर क्यों डस्टबिन में डालूँ, है ना। तो थोड़ा सा फेर बदल करके मैं इसे दोबारा पहन सकती हूँ, तो मैंने कर दिया है। अभी तो हमारा मशीन तो है ख़राब, अब ताई जी आएंगी, ताई जी आने के बाद ही इसको सिल के फिट करूँगी।
चलिए डिनर का टाइम हो गया है, डिनर बनाने का टाइम हुआ है, तो चलते हैं किचन में और रोटियां बना लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, मेरे हस्बैंड जो है अभी अभी पहुंचे हैं। बैठ के पियो। कहाँ गए थे? जरूरी क्यों? काम से गया था। अच्छा, तो आते ही तो घर तो नहीं आए। मैच देख रहा था। मैच ना कामरू और लियो लियो के बीच में सेमीफाइनल, कौन जीता? लियो लियो। अब कल किसका है फिर? सेमीफाइनल। फिर रारंग और पू के बीच में जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। फाइनल में लियो के साथ होगा, है ना? या रारंग या पू, चलो जो भी जीते। वैसे तो बाहर वाले में जीते तो अच्छा है, क्यों? ओके, मैं जाती हूँ रोटी बनाने। फोन मांग रही है मुझसे। दोस्तों आज जो है हमने बैंगन का सब्जी बनाया है, ये देखिए बैंगन का सब्जी है, दाल भी है। तो डिनर में हमारा बन रहा है बैंगन का सब्जी और रोटी। तो थोड़ी देर में देखते हैं चाची जी ने क्या बनाया है। तो फिलहाल अभी रोटी बना लेते हैं। तो दोस्तों चाची जो है डिनर में क्या बना रही है पूछते हैं। चाची क्या बना रहे हो? मटर फूल गोभी। रोटियां बना दिया। तो चाची के पास बन रहा है मटर फूल गोभी। ओके। क्या कर रहे हो ऐसे चार्ज में लगा के? चेक करो मोबाइल यार। चेक मतलब? पानी भी तो चला गया मोबाइल। गया फिर? ऑन ही नहीं हो रहा। अब नहीं हो गए? धूप भी नहीं रखा इसको? रखा धूप में तो 2 दिन रखा। मुझे तो बताया नहीं। करंट तो है इसमें। तो दोस्तों वाट लग गई, वाट लग गई। वाट ये है क्या? वाट लग गई है, फोन खराब हो गया। दिखाओ करंट तो है। तो मेरे हस्बैंड का हो गया है फोन खराब, चूना लग गया इनको नए फोन, है ना? तो चलिए दोस्तों हम लोग डिनर करके ऊपर आ गए हैं अपने कमरे में और ये है टेंशन में, इनका वो फोन हो गया है खराब। खैर कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे ये। तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आप अपना ख्याल रखिए, हम अपना ख्याल रखते हैं, ये अपने फ़ोन का ख्याल नहीं रखते हैं। तो कल मिलते हैं, बाय। अब क्या पकड़ी बैठे, सो जाओ बस, पहन लो।